सुबह सुबह 10 बजे नहाने के बाद मैं अपनी मांग में सिंदूर भर के भक्तपुर दरबार स्क्वायर के लिए निकल गया। ये लग क्यों नहीं रहा है? रास्ते पे हमें सलमान खान की गाड़ी से टकराई हुई एक गाड़ी मिली, जिसका हालत मेरे पढ़ाई से भी नाजुक था। कहा जाता है कि वह आदमी नहीं रहा। बाइक को पार्किंग में लगाने के बाद कहते हैं मैं हूँ आज का कैमरामैन, पाप लगेगा आप लोगों को। पहुँचते ही हमें सबसे पहले एक हरा तालाब मिला जो क्लोरोफिल से भी हरा था, और उसके साइड में हम पागल जैसे उछल कूद कर रहे थे। उसके बाद मुझे कहते हैं कि हम यहाँ से वॉक करेंगे, तुम बाद में कबीर सिंह का इंट्रो लगा देना। मैंने कहा मत करो, बहुत बुरे लग रहे हो। तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। उसके बाद हमारे प्यारे लव गुरु के हाथों से हमारे वो सुमित्र उनका सब कुछ छीन लेते हैं और कहने लगते हैं क्या ही तेरा और क्या ही मेरा। इतना अन्याय होने के बाद भी हमारे लव गुरु हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। जस्ट लाइक सतगुरु से, नो मैटर व्हाट हैपन्स टू यू, व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट इज योर चॉइस। थैंक यू फॉर द मोटिवेशन। उसके बाद हम सभी ने डिसाइड किया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम समंदर में जहाज उतार कर ही रहेंगे। समंदर में जहाज उतारने के सिर्फ 2 मिनट ही बाद हमारे सुभाषन्ना और सेसन्ना की जहाज एक आपस में टकरा गई, लेकिन मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी। उसके बाद मैंने देखा कि हमारे तीनों के तीनों जहाज एक आपस में रेस में लग गए थे, पता नहीं क्यों। फिर मैंने देखा उस बड़े से समंदर में एक बड़ा सा मर्दाना मछली दूसरी मादाओं को आकर्षित करने के लिए अपने पंख फैला रहा था। उस बड़े से समंदर के बाहर निकलने के बाद हम गए तलेजु भवानी टेम्पल के अंदर। वहाँ अंदर हमने देखा कि कुछ टूरिस्ट के हैट में किसी पंछी ने टट्टी कर दिया था। टेम्पल के अंदर हमने एक बहुत ही नायाब दृश्य देखा, जहाँ पर शिवन्ना ने सिर्फ जोक सुनाकर ही एक इंसान को सुला दिया। टेम्पल से बाहर आने के बाद मैंने देखा हमारे ब्रह्मचारी मित्र वहाँ के पिलर्स गिनने का नाटक कर रहे थे, ताकि वो वहाँ बैठे कपल्स को डिस्टर्ब कर सके। अगेन हम गए भक्तपुर का सबसे फेमस दही चखने के लिए। वहाँ पर मैंने देखा सुभाषन्ना को दही खाते हुए, और मैं बोला अन्ना दही खाना है, दही को डराना नहीं है। उसके बाद सुभाष अन्ना बोले आज दही का पैसा तुम दोगे, दैट्स फेयर। अपनी दही वासना को पूर्ण करने के बाद हम निकल पड़े अपने अगली डेस्टिनेशन डोलेश्वर महादेव टेम्पल। डोलेश्वर महादेव टेम्पल पहुंचने के बाद हमने देखा गेट के सामने 2 कुत्ते सोकर हमारा वेलकम कर रहे थे। महादेव जी और नंदी जी के दर्शन करने के बाद और ढेर सारे ग्रुप फोटोज लेने के बाद हम चल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन बैक टू भक्तपुर दरबार स्क्वायर। भक्तपुर पहुंचने के बाद हम सब भोजन करने के लिए भोजन गृह के अंदर प्रवेश कर गए और वहां पे शांति मंत्र का जाप करने लगे, लेकिन हमारे सुभाषन्ना के अंदर बहुत ज़्यादा अशांति थी और वो अपने प्लेट को अपने सीने से लगाकर मंत्र जाप कर रहे थे। उस दिन मुझे पता चला ईसा के लोग सिर्फ साधना के लिए नहीं, लेकिन खाने के लिए भी उतने ही भूखे हैं। भोजन करने के बाद मैंने देखा हमारे लव गुरु उस रेस्टोरेंट के एक्वेरियम के मछलियों को आकर्षित करने के लिए अपने उंगलियों से उनको नचवा रहे थे। इतना खाना खाने के बाद भी सब ने चाय के लिए थोड़ी जगह बचा कर रखी थी, इसलिए हम चले गए चाय पीने। चाय पीने के बाद सब लोग मुझे पूछ रहे थे आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने बोला पिछले 1 हफ्ते से सुनने के प्रिपरेशन के लिए मैं सुख क्रिया कर रहा था, आज मुझे दिन भर फ़ोन पकड़ा दिया, अब मैं सुख क्रिया कैसे करूँगा। उसके बाद सब कहने लगे कोई नहीं हो जाएगा। मैं बोला ऐसा कहने वाले लोगों के लिए गरुड़ पुराण में अलग सा सजा है। दिन भर ऐसे ही उठपटांग हरकतें करने के बाद हमें याद आता है कि हमें घर भी जाना होता है, इसलिए हम अपनी भटभटिया और स्कूटरिया लेके निकल गए अपने घर की तरफ शंभू।